ये हमने इसमें चिकन लिया है 700 ग्राम। अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए कुछ मसाले डालेंगे। ये हल्दी है, ये मिर्च, ये धनिया है और ये नमक 1-1 चम्मची, ये दही है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे मसाले को। आप चाहें तो हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 1 टीस्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मैरिनेट कर लिया है अच्छे से। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। ये हो गया है, अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालते हैं। ये हो गया 2 चम्मच। अब हम इसमें सारा चिकन अरेंज कर देते हैं 1-1 पीसेस के। अब इसको हल्के हाथ से हम पलट लेंगे आराम आराम से सारे पीस। देखिए अभी धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है। ये हमारे चिकन के पीसेस पकने शुरू हो चुके हैं। अब हमने इसमें लिया है 1 टमाटर, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 टमाटर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और तब तक पकाएंगे जब तक ये टेंडर ना हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। ये हमने इसे 15 मिनट तक के पकाया है। अब हम इसे खोल के पकाएंगे। हम इसे खोल के पकाएंगे तब तक ये खुश्क नहीं हो जाता। ये हमें अच्छे से खुश्क करना है। देखिए ये अच्छे से खुश्क हो चुका है, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। अब हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से बोटियों पे लग जाए। ये धनिया है, थोड़ा सा बारीक चुकी, और ये हरी प्याज है, और ये थोड़ा सा अदरक जो हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से पक चुका है जिस जैसा हमें चाहिए था। इसको 5 मिनट के लिए और पका लेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसे कर चुके हैं डिश आउट। ये जितना देखने में टेस्टी है इतना ही खाने में है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी कौन सी डिश ज़्यादा पसंद है।